उत्तराखंड के हल्द्वानी से ज्योति मौर्या पार्ट 2 सामने आया है। यहाँ पर प्रोफेसर सुरभि गुप्ता पर पति ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जी हाँ, दरअसल एक पति का दावा है कि उसने पत्नी को पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया और अब पत्नी ने उससे किनारा कर लिया। ऐसे में पति न्याय की आस के लिए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठा है। बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार के रहने वाले नितिन जैन, जो कि अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, पति नितिन जैन का आरोप है कि पढ़ाई के समय से सुरभि गुप्ता के साथ उसकी दोस्ती हुई और 2014 में हरिद्वार में कोर्ट में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। इस दौरान उनकी छोटी सी बेटी भी हुई। पत्नी को पढ़ा लिखा कर PhD कराया, जिसके बाद 2018 में उसकी नौकरी शिक्षा विभाग में रुद्रप्रयाग में लग गई, जहाँ उसकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से संपर्क हुआ। पत्नी धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी और पति से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और एक साल बाद जब पत्नी का हल्द्वानी की राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लग गई, तो पत्नी ने पति के साथ प्रताड़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि पत्नी अब उसकी बेटी से भी उसे नहीं मिलने देती। पीड़ित पति नितिन जैन का कहना है कि इतना सब करने के बाद आज इसको न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ा। पति का आरोप है कि पत्नी कुछ महीने पहले घर का सारा सामान अपने साथ लेकर चली गई। यहाँ तक कि पत्नी उसके मोबाइल से उसके साथ खींची हुई फोटोज और वीडियोस भी डिलीट कर चुकी है। उसका कहना है कि पत्नी कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करा चुकी है, जिसके बाद पत्नी को वो 25,000 रुपये खर्चा भी दे रहा है। लेकिन अब पति का कहना है कि प्रताड़ना इतनी बढ़ चुकी है कि उसको अब धमकाया जा रहा है। पति का ये भी कहना है कि अपनी पत्नी से उसके संबंध खराब हो चुके हैं, लेकिन अब उसके ऊपर लगाए गए सारे झूठे मुकदमे खत्म कर उसकी बेटी को उसको वापस दिया जाए। उसका ये भी कहना है कि उनका और उसकी पत्नी का तलाक मामला हल्द्वानी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है और उसकी पत्नी सुरभि गोलापार महाविद्यालय में अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। नितिन जैन का खुद का व्यवसाय है। नितिन जैन का ये भी आरोप है कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता ना तो तलाक देती है और ना ही किसी प्रकार के समझौता करने को तैयार है, जिस वजह से नितिन जैन मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान है। नितिन का ये कहना है कि सुरभि गुप्ता की नौकरी व ट्रांसफरों को लेकर कई तरह की जांचें उच्च शिक्षा निदेशालय में चल रही है, जिनके साक्ष्य नितिन जैन पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री धामी से इस प्रकरण के संबंध में न्याय की गुहार लगवानी जाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ नितिन की पत्नी ने सारे आरोपों को गलत बता दिया है। उसका कहना है कि न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब है और इस मामले में वो कुछ नहीं बोलेगी। वहीं अब इस मामले को लेकर MBBG कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष समेत राजनीतिक दलों के नेता भी नितिन जैन के साथ उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं। पति का ये कहना है कि जब से ज्योति मौर्या प्रकरण सामने आया, उसके बाद उसे भी हिम्मत मिली कि उसे भी न्याय मिल जाएगा और इसी की उम्मीद के साथ वो धरने पर बैठा है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।